नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामबीर सिंह और इस समय देख रहे हैं आप हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज भारत को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है, जो कि 26/11 पुलवामा हाल ही में जो हमला हुआ था भारत के ऊपर, जिसमें 40 सैनिक शहीद हो गए थे, और मुंबई में जो 26/11 को हमला हुआ था, और खासकर हम बात करें संसद पे जो हमला करवाया था वो था मसूद अजहर, जिसको भारत से आतंकवादियों ने एक विमान हाईजैक करके छुड़ा लिया गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो चुका है। भारत लगातार 10 सालों से ये कोशिश कर रहा था किसी तरह से उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, और जब भी हमारे भारत में हमले होते थे कश्मीर में, कश्मीरी लोगों को प्रशिक्षण देकर वहां पर ले जाता था और वापस भारत में भेज करके वहां आतंक फैला रहा है। ये भारत में लगातार आतंक फैलाता रहा था और ये आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ है, ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब पाकिस्तान को जो मसूद अजहर है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जहां जहां भी इसने अपराध किए, खासकर हम भारत की बात करें तो इस पे भारत में मुकदमा चलेगा और इसको भारत को भी सौंपना पड़ सकता है। तो अभी और कामयाबी आगे तो उस दिन आएगी जब इसको भारत में लाया जाएगा और भारत में किए गए गुनाहों के लिए इसको सजा मिलेगी, उस दिन ये भारत की असली कामयाबी उस दिन होगी। लेकिन ये आज हुआ है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी विषय पर हमने जैसलमेर के मरु महिमा के संपादक श्याम सुंदर जी डावाणी जी से बात की और तब उन्होंने हमें बताया। ये श्याम सुंदर जी बताइए, ये कितनी बड़ी कामयाबी है भारत के लिए? पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए उदाहरण के तौर पर हमारे देश में 26/11 का आतंकवादी हमला, पुलवामा, और भी पाकिस्तान में भी बहुत कुछ इस आदमी को ने अनेकों आतंकवादी घटनाएं उसने अपने संगठन के माध्यम से की है। सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को बेमौत मारा है। इसके लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। ये मांग भारत सरकार की वर्षों से थी, उसने पूरी दुनिया में अपना पक्ष रखा और दुनिया के देशों ने आखिर में जाकर के आज बहुत बड़ी सफलता है भारत सरकार की और भारत की, और खासकर शांति प्रिय नागरिकों को इससे बड़ी भारी राहत मिली है कि आखिर अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, ताकि भविष्य में दूसरे आतंकवादी हैं उनको भी इसका सबक मिले और वो भी अपने नापाक हरकतों से बाज आए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने इसे आज आतंकवादी घोषित किया है। हम इसके लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। उसने अपनी विदेश नीति के माध्यम से पूरी दुनिया को मैं अपनी बात बनवाने के लिए जो प्रयास किए थे, आज प्रयास रंग लाए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको आखिर मान लिया। ये थे मरु महिमा के संपादक श्याम सुंदर डावाणी जी, जिन्होंने हमें बताया कि भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत कई वर्षों से ये कोशिश ही कर रहा था किसी तरह से इसको आतंकी घोषित किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था, और अब पाकिस्तान को मजबूरी में इसके जितने भी संगठन चल रहे हैं उनको सबको बैन करना पड़ेगा, इनकी संपत्तियों को कुर्क करना पड़ेगा, और जितने भी ये लोग खुलेआम भाषणबाजी करते थे भारत के खिलाफ वो अब बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान में जो आतंक का गढ़ बन चुका है इसको नेस्ताबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हम चलते हैं, राजेंद्र अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र अवस्थी जी बताइए कि ये भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए श्याम जी, ये बहुत खुशी की बात है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, और सबसे बड़ी जीत हमारी जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है और उसके जो मुखिया है हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं इसके, तो आप देखिएगा कि मसूद अजहर को भारत सरकार ने गिरफ्तार कर रखा था,
जेल में डाल रखा था, लेकिन फिर विमान हाईजैक किया उसके साथियों ने और हमारे देश के नागरिकों की कीमत पे उसको छोड़ना पड़ा मजबूरी बस। एक बहुत बड़ी हमारी एक वो एक हम कह सकते हैं कि उस वक्त की हमारी एक उसे हम कमजोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि नागरिकों की बलि वेदी पे एक आतंकवादी को यदि छोड़ा जाता है तो इसे छोड़ा जाना चाहिए। तो ये जो स्थिति थी ये भारत सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, उस वक्त उसको छोड़ा गया, छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके पश्चात जब उसको छोड़ा तो वो बहुत दुर्दांत आतंकवादी के रूप में सामने आया और उसने हमारी संसद पे हमला करवाया। हमारे देश में विभिन्न जगहों पे उसने आतंकवादी हमले करवाए, विस्फोट करवाए, हमारे सैकड़ों हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। 26/11 का बहुत बड़ा हमला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी बहुत बड़ी गूंज उठी। तब से लेकर आज दिन तक भारत सरकार उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने की ओर अग्रसर थी। तो क्या हम ये मान लें अवस्थी जी कि भारत ने ये अपना जो वो दाग धो दिया है जब जो मजबूरी में इसको छोड़ा गया था? हमें हर बार हार का सामना करना पड़ा। फिर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने आते ही सबसे पहला यही काम किया, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाना। उस दिशा में उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार इसकी मांग रखी गई। सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या जो रही, हमारा जो पड़ोसी देश चीन है उसने इसमें हमेशा टांग अड़ाई, हमेशा अड़ंगा लगाया, लेकिन ये मोदी जी की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संयुक्त राष्ट्र संघ इस मुद्दे पे फैसला करके और तुरंत मसूद अजहर को भारत को सौंपने की कार्रवाई करें। ये थे राजेंद्र अवस्थी जी जो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो मसूद अजहर है भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा था और आज भारत ने ये वो दाग था भारत के ऊपर जो मजबूरी में छोड़ा गया था उससे भी थोड़ा सा दाग वो हल्का हुआ है, लेकिन ये दाग तो उस समय दूर होगा जब ये भारत में लाया जाएगा, इसको सजा मिलेगी। तो सभी की एक ही राय है कि ये आज भारत के लिए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और क्योंकि हम इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं कि क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में इतनी बड़ी कामयाबी मिलना ये हमारे देश के लिए नहीं, जो हमारे पीएम हैं उनकी कोशिशों के कारण ही हो पाया, तो उनको भी ये श्रेय जाना चाहिए। और हालांकि विपक्ष ये आरोप लगाएगा कि इसका देश को ये फायदा मिले लेकिन राजनीतिक रूप से इसका लाभ न उठाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी क्यों ना लाभ उठाया जाए, जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका श्रेय भी इन सरकारों को जाना चाहिए। तो आज सभी देशवासियों को बधाई एक बार कि आज भारत के लिए बहुत ही खास दिन है, शुभ दिन है कि जब ये भारत का दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हुआ है।